हाय फ्रेंड, वेलकम अगेन इन सिविल साइट नॉलेज। आज मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ कि मिनिमम स्पेस फॉर स्टेयर, कम से कम जगह में स्टेयर को कैसे बनाएं और कितना कम स्पेस रिक्वायर्ड होता है स्टेयर के लिए, आपको यही मैं बता रहा हूँ। जनरली टू टाइप स्टेयर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये आपका स्टेट स्टेयर है जिसमें सिंगल फ्लाइट होता है, दूसरा ये डॉगलेग स्टेयर। तो डॉगलेग स्टेयर एक ओपन स्टेयर तीसरा भी होता है, तो मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा। तो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट टाइप का है, ये स्लैब है और ये ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर दोनों का हाइट कितना होना चाहिए, बिल्डिंग हाइट, ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको जानकारी होना चाहिए। फिर विड्थ ऑफ स्टेयर कितना होना चाहिए, ये भी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दूसरा डॉगलेग स्टेयर जो देख रहे हैं, ये लैंडिंग है, तो आप इसका मैं बता दूं, ये भी आपका टॉप स्लैब है और ये आपको लैंडिंग है। ओके, तो आप दोनों मैं बता दूंगा, डॉगलेग स्टेयर और ओपन स्टेयर में डिफरेंस क्या है मैं ये भी बता दूंगा। थ्री टाइप का स्टेयर आपका डिजाइन हो जाएगा सिंपली। तो ये देखिए लैंडिंग हाइट कैसे निकालेंगे, तो लैंडिंग हाइट निकालने के लिए बिल्डिंग हाइट डिवाइडेड बाई टू करेंगे, अगर मिड लैंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो। ये डिपेंड आप पे करता है, जनरली मिड लैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए प्लान है, प्लान में देख रहे हैं आपका, ये लैंडिंग है, तो अप जा रहे हैं यहाँ से, तो ये लैंडिंग है। तो लैंडिंग का विड्थ कितना होना चाहिए, जनरली विड्थ ऑफ स्टेयर जितना होता है वही लैंडिंग का विड्थ रखते हैं आप पे। ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, एरिया कैसे कैलकुलेट करें, ये आपको जानकारी होना चाहिए। जानने के लिए कैसे कैलकुलेट करें, तो आपको कुछ टर्म आपको नॉलेज होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्डिंग हाइट, बिल्डिंग हाइट, हाइट ऑफ राइजर और ट्रेड, विड्थ ऑफ ए ट्रेड, विड्थ ऑफ ए स्टेयर, लैंडिंग हाइट, नंबर ऑफ राइजर और नंबर ऑफ ट्रेड। तो ये मिनिमम बिल्डिंग हाइट कितना होता है, तो ये 10 फीट कम से कम बिल्डिंग का हाइट होना चाहिए, 10 फुट यानी 3 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। दूसरा मैं बात करूं हाइट ऑफ राइजर, तो राइजर क्या होता है आप ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ये राइजर है और ये जो देख रहे हैं ट्रेड है, यानी टप्पा और स्टेप, ये जो देख रहे हैं स्टेप। ओके, तो इसका हाइट होना चाहिए 6 इंच स्टैंडर्ड है, इससे आप कम नहीं रख सकते, ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं ट्रेड, तो ये ट्रेड का विड्थ कितना होना चाहिए, 10 इंच होना चाहिए, 10 इंच मिनिमम, आप इससे कम नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जनरली मैं बता दूं कि पैर जैसे हम आप चढ़ते हैं स्टेयर पे, तो आपका पैर स्टेबल होना चाहिए, तो जनरली 10 इंच होता है, तो ये इससे कम नहीं रख सकते हैं। तो टेड आपका जो टप्पा होता है ये 10 इंच का। अब देखिए, अब मैं बात करूँ विड्थ कितना होना चाहिए, तो विड्थ मिनिमम कम से कम 3 फीट, यानी दो लोग अप डाउन एक साथ कर सकते हैं, तो इतना होना चाहिए, 3 फीट से कम नहीं रख सकते हैं। तो आज मैं सिर्फ मिनिमम बात कर रहा हूँ। तो लैंडिंग हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग डिवाइडेड बाई टू अगर मिड लैंडिंग प्रोवाइड करें, नंबर ऑफ राइजर सीखेंगे, नंबर ऑफ टेड सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलिए वन बाय वन करके कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ राइजर यानी कि नंबर ऑफ स्टेप कितना होता है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो बिल्डिंग हाइट डिवाइडेड बाई एक स्टेप का हाइट से डिवाइड कर देंगे राइजर का, तो आपको कैलकुलेशन हो जाएगा। तो कितना है बिल्डिंग हाइट, 10 फीट और आपका हाइट ऑफ राइजर कितना, 6 इंच, तो इसको फीट में चेंज कर लीजिए, तो 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा 10 डिवाइडेड बाई 0.5, तो आपका कितना हुआ 20 नग, आपका राइजर आप कैलकुलेट कर दीजिए, यानी स्टेप कितना हुआ आपका 20। ये स्टेट एयर सिर्फ सिंगल फ्लाइट हो तो, देन नंबर ऑफ ए ट्रेड यानी कि टप्पा कितना होगा, तो R-1 होता है, एक लैंडिंग में चला जाता है इसलिए R-1 होता है, 20-1 यानी 19, तो 19 आपका ये निकल गया। आप आपको क्या करना है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैसे होता है, ये आप जानते हैं, विड्थ ऑफ स्टेयर कितना है 3 फीट, और आपको ये कैसे आएगा 19, क्या है आपका टप्पा है, तो इंटू एक टप्पा का कितना है 10 इंच, तो आप दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, 19 × 10, तो आपका कितना हो 190 इंच हुआ। तो ये इंच हुआ, तो इसको क्या करना है, फीट में डिवाइड करेंगे, तो यानी 12 / 12 कीजिए, तो आपका ये कैलकुलेशन किए तो आपका आ गया 15.83
15.83 फीट। तो अब 15.83 तो आप इसका एरिया निकाल लीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 15.83 है, इंटू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एरिया निकल गया। तो एरिया कितना है 47.5 स्क्वायर फीट। अब देखिए मिनिमम इतना स्पेस आपको चाहिए, इतना एरिया चाहिए ही अगर स्टेट स्टेयर बना रहे हैं तो आपको ये भी कैलकुलेशन आ गया कि मिनिमम एरिया कितना चाहिए। ओके, देन अब मैं बात करूं डॉगलेग स्टेयर की, और एक ओपन स्टेयर होता है, वो भी डिफरेंस मैं बता दूंगा क्या होता है। ये देखिए आप डॉगलेग मैं बताया हूँ, तो अब इसका मैं बता रहा हूँ कि आप कैसे निकाल सकते हैं। अगर डिटेल आप जानना चाहते हैं तो मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख लीजिए। डॉगलेग स्टेयर का मैं डिटेल डिजाइन बताया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ आर कैसे निकालेंगे, तो लैंडिंग हाइट मिड लैंडिंग प्रोवाइड किया जाता है डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ ए राइजर। तो लैंडिंग हाइट कैसे निकालेंगे, तो आपका बिल्डिंग का हाइट कितना है आपका 10 फीट डिवाइडेड बाई 2 करेंगे क्योंकि मिड लैंडिंग है, और डिवाइडेड बाई 0.5 करेंगे तो आपका नंबर ऑफ राइजर निकल जाएगा। ओके, देख देखिए ये बिल्डिंग हाइट ये कैसे निकाले हैं, 2 से डिवाइड करके। ओके, तो ये डिवाइड कीजिए, आप बी कैलकुलेट कीजिए, तो 10। अब टी निकाल दीजिए, टप्पा कितना होगा, तो टप्पा 10 माइनस 1 तो आपका हो गया 9। तो 9 आपका ट्रेड निकालेंगे। तो अब आपको एरिया कैलकुलेट करना है कि एरिया इसका कैसे होगा। आप इसका प्लान देखिए, प्लान कुछ इस टाइप का है। अगर आप ये देखिए कितना होगा, 9 नंबर होगा। तो इसका हमको लेंथ कैसे कैलकुलेट करना है, तो ये 9 × 1 देखिए 1 का कितना लिए 10 इंच, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 10, यानी कि कितना हो जाएगा 90 इंच। तो अब इसको क्या करेंगे, फीट में चेंज कर देंगे, तो 90 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7.5 फीट। तो ये 7.5 फीट आ गया। अब आपको क्या करना है, इसका स्टेयर का टोटल वेट्स, अब देखिए ओपन और डॉगलेग मैं बता दूंगा, अगर आप स्पेस देते हैं दोनों मतलब स्टेयर के बीच में, वेट्स के बीच में ये देख रहे हैं स्पेस, तो इसको बोलते हैं ओपन स्टेयर। अगर नहीं देंगे तो डॉगलेग स्टेयर बोलते हैं, आप समझ गए। तो मिनिमम कितना बोल रख सकते हैं, 4 इंच मिनिमम, 4 इंच। तो अब इस कितना होगा, 6 फीट 4 इंच वेट्स आपका स्टेयर का कितना होगा, 6 फीट 4 इंच। अब देखिए टोटल ये कितना में लैंडिंग का विड्थ कितना है, 3 फीट, तो ये 3 फीट है। टोटल आप इसका कैलकुलेट कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, ये अलग से मैं बता दूं, तो अभी देख लीजिए ये आपने कैलकुलेट किया 6 फीट 4 इंच, तो अब ये कितना हो जाए आपका, टोटल प्लस कर दिए 3 फीट, तो यानी कि 10.5 फीट। ओके सॉरी 10.5, तो इसका एरिया निकाल लीजिए, यानी दोनों से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको क्या करें, 4 को क्या करें, फीट में बदल दीजिए, तो 6.33 हो जाएगा इंटू 10.5। तो आप यहां से कैलकुलेट कीजिए 10.5 × 6.33, तो ये क्या होगा, 66.45। ओके, तो अब आपको मिनिमम एरिया डॉगलेग स्टेयर के लिए मिल गया, ओपन स्टेयर, सॉरी ओपन स्टेयर है क्योंकि मैंने स्पेस दिया है दोनों स्टेयर के बीच में, तो स्पेस है, तो ये ओपन स्टेयर का आपका मिनिमम एरिया मिल गया। आप यहां से आप सीख गए कि दोनों किस दोनों स्टेयर का मिनिमम एरिया कितना होता है, आप कैलकुलेट करना जान गए। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।